हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है मालपुआ, और इसे हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रबड़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कोई और भी रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मालपुआ बनाना। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। और मालपुआ बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही आराम से बना लेंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में इसे बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1/2 कप मैदा, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर और 2 से 3 चम्मच सूजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में हम डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, सूजी, हम डाल देंगे इसमें सौंफ और हरी इलायची पाउडर, और इन सबको एक बार हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें दूध डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, इसका बैटर बनाना है हमें। अगर आप एक साथ पूरा दूध ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे ढेर सारे, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करें और इसका बैटर बना लें लम्स फ्री। इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हम। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। और अब हम इसे ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी फूल जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। और अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए वहाँ पर मैंने सॉस पैन में डाला है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। इसे मिक्स कर दें, चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे हम। देखिए, चीनी पूरी घुल गई है, इसे हम 2-3 मिनट और पका लेंगे। मालपुआ के लिए हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए होती है, हमें बिल्कुल शहद जैसी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी चाहिए रहती है। जैसे हम टच करते हैं तो दोनों उंगलियों के बीच में ये चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे शहद होती है, बस वैसी चाशनी हमें चाहिए इसके लिए। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर, और इसे डालकर हम मिक्स कर देंगे। तो जो चाशनी है हमारी वो रेडी हो गई है मालपुआ के लिए। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ढककर रख देंगे। तो चलिए, 1/2 घंटे हो गए हैं, मालपुआ को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और सूजी थोड़ी फूल गई है, जिससे मालपुआ का जो बैटर है वो थोड़ा थिक भी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हम बनाएंगे मालपुआ। और मालपुआ बनाने के लिए पैन में यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म किया है। इसमें हम इस तरह से पहले 1-2 बूंद ड्रॉप करके देखेंगे, और अगर ये तुरंत से ऊपर आ जाए तो मतलब तेल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और गैस का जो फ्लेम है वो हम लो कर देंगे। तो अब हम इसमें मालपुआ का बैटर पोर करेंगे, और आप ध्यान से देखिएगा, हमें बिल्कुल एक ही फ्लो में इसमें बैटर पोर करना है। और जब बैटर ख़त्म हो जाए तो हमें चम्मच हटा लेना है, इसमें आपको हाथों से छींटे नहीं मारने हैं। इसे हम लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक कि एक साइड का जो है नीचे वाली साइड वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, इसे हम पलट देते हैं। इस पे लाइट गोल्डन कलर आ गया है। आप इसका जो कलर है वो लाइट और डार्क अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसे और डार्क कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है, तो अब हम इसे इस तरह से प्रेस करते हुए निकालेंगे। इसमें काफ़ी ऑयल होता है, इस तरह से प्रेस करने से इसके अंदर का जो सारा ऑयल है वो निकल जाएगा बाहर। और इसे निकाल कर हम प्लेट पर रख लेंगे, और इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। इसके बाद हम इसे चाशनी में डिप करेंगे,
और चाशनी में हमें इसे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखना है, इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। चाशनी में 2-3 मिनट के लिए ही रखेंगे हम इसे। दोनों तरफ पलट के हम इसे अच्छे से डिप कर देंगे चाशनी में। दो मिनट हो गए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस मालपुआ बनके रेडी हो गया। इसके लिए आपको रबड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे हमने मिल्क पाउडर से बनाया है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।